नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी, इंडो ट्यूटर टैरो रीडर, आपके लिए लेकर आई हूँ एरिस पीपल। ये अगस्त मंथ की न्यू मून की एनर्जी आपके करियर में, आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आते हैं, आपको क्या यहाँ पर बताना चाहते हैं, क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं, आपकी करंट सिचुएशंस क्या है और आप कैसे आगे जा सकते हो, आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है, आपको क्या पुश मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पर ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिनसे भी रेजोनेट होता है उन्होंने ही रखना है। ओके, तो सबसे पहले हम गाइडलाइन लेते हैं एंजल्स की तरफ से। एंजल्स आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं या उनका सपोर्ट आपके लिए क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं आपको। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि आपको ना एंजल्स तो बटरफ्लाई आपको दिखती होंगी, तो एंजल्स आपके साथ में है। तो यहाँ पर आपको ना चैलेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में, कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, आपको रेडी रहना है, आपको देखना है क्या चैलेंजेस है और उसके ऊपर आप क्या प्लान बना सकते हो, आप लॉजिकली क्या सोच रहे हो, ये सब आपको देखना है। यही यहाँ पर गाइडलाइन आ रही है। तो समझो आप जो भी कहीं पर भी आप डॉक्यूमेंट्स का वर्क होगा तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स क्लियर पढ़ना है, वहाँ पर देखना है कहीं पर आपको गलत बात तो नहीं बताई जा रही है, वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर पढ़ के ही फिर उसके ऊपर साइन करना है। ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है एंजल्स के तरफ से। और आपको सब चीज़ के लिए आपको ना प्रिपेयर रहना है, एक एक जैसे यंग एनर्जी में आपको रहना है कि यस कुछ भी हुआ तो आपको डेयर करना है, आपको करेज रखना है, आपको हिम्मत रखना है कि आप उस चैलेंजेस को फेस कर पाओ। तो यहाँ पर एंजल्स आपको सपोर्ट करने वाली है और आपको भी प्रिपेयर रहना है। यहाँ पर यही गाइडलाइन आ रही है। और बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, सिक्स ऑफ वंड्स का कार्ड आया है जो कि विक्ट्री बताता है। यस, विक्ट्री। आप जिस करियर में जाना चाहते हो, जिस बिजनेस के लिए जाना चाहते हो, तो आपको आपको आप आगे जा सकते हो, आपको राइट पार्टनर आपको मिलेगा। उस राइट पार्टनर जो पार्टनर रहेगा आपके बिजनेस में, जो भी पार्टनर रहेगा वो आपको एंजल्स उसके लिए भी आपको सपोर्ट करेंगे और आप आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए आप आगे जा सकते हो। बस आप दोनों के पार्टनर में क्लियरिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन क्या वर्क कर रहा है और हर वर्क में आप दोनों का जैसे एक क्लियर विजन रहना चाहिए, कि प्योरिटी भी रहनी चाहिए, तो ये बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा। विक्ट्री का यहाँ पर यही कार्ड आ रहा है कि आपको ना हर चीज़ में प्रमोशन मिल सकता है, स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपको आपके जीवन में जो भी बेस्ट चीज़ है आपके सिचुएशन से ले लेना, जो आप राइट पाथ पर हो और आगे बढ़ना चाहते हो, वो सब कुछ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएगी, सब कुछ अच्छा होगा और उसमें आप आगे सक्सेस रहोगे। यस, ओके। तो यहाँ पर यूनिवर्स, यहाँ पर एंजल्स आपको सपोर्ट करने वाली है आपके सक्सेस के तरफ, आपको जाने के लिए, आपको पुश करने के लिए यहाँ पर एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। बहुत ही अच्छी गाइडलाइन है एरिस पीपल। यहाँ पर हम और देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या और बताना चाहता है। यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यस, आपको लवेबल मैसेज आ सकते हैं, आपको आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के मैसेज आ सकते हैं, आप जिस फील्ड से हो उस वे से आपको मैसेज आ सकते हैं, आपको वो रिसीव करना है। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको बैलेंस करना है, आपके इमोशंस आपको बैलेंस भी करना है, ना कि ज़्यादा हाई करना है और ना कि ज़्यादा लो करना है, आपके बैलेंस रखना है आपको आपके इमोशंस। और आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपको आपका प्यार का भी मैसेज आ सकता है, आपके प्यारे पर्सन आपको मैसेज भेज सकते हैं जिनका आप वेट कर रहे हो, तो ये भी यहाँ पर हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली आप यहाँ पर वेट कर रहे हो और आपकी ऐसी पावर है, आप इतने लवेबल हो, आप इतना प्यार करते हो दूसरों से कि आपके पास में कोई प्यार से कुछ पूछे तो आप उनको
सही सही आंसर बताते हो। आप में काउंसलिंग की पावर है, आप दूसरों को सही रास्ता दिखाने पर बिलीव रखते हो। आपकी एनर्जी आ रही है, आप चाहते हो कि जैसे आप सबसे प्यार करते हो, वैसे भी आपको भी किसी ने प्यार करना चाहिए, आपको भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो यस, यूनिवर्स आपको ये सब चीज़ें आपके लाइफ में लाने वाला है। आप में सब सब कुछ चेंजेस होने वाले हैं और आपके लिए फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकला है। यस, आपको ऐसे लगता है कि आपको कोई चाहता नहीं है, आपको दबा हुआ सा महसूस हो रहा है, आप जैसे किसी से बात नहीं कर रहे हो, आपको कम्युनिकेशन करना अच्छा नहीं लग रहा है, आप जैसे आइसोलेशन में हो, आप अकेले हो, बट आपके पास में फिर भी कोई आता है। आप कितने भी दुखी या दर्द हो में हो, फिर भी कोई आता है तो आप उसको गाइडलाइन प्रॉपर ही देते हो। आप ये नहीं बोलते हो कि ये रॉन्ग है, ये नहीं करना है, ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है। यानी आप ये बताते हो कि रॉन्ग गाइडलाइन आप नहीं देते हो, आप सही गाइडलाइन देते हो, ये कहने का यहाँ पर ये आ रहा है। तो फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप हो, तो यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर बंदा बंदा उस महसूस हो रहा है, आपका घुटन सी हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, बहुत सारा कुछ छुपा हुआ है और आप यहाँ से निकलना चाहते हो। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये गाइडलाइन दे रही है कि पहले खुद का सेल्फ लव करना है, यहाँ पर आपको खुद को देखना है, खुद में इनर क्या है, क्या क्रिएटिविटी है, आपको पूरा झांक झांक कर देखना है, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करना है, खुद के तरफ देखना है, खुद को संवारना है। और आपको थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आपको उसकी भी हीलिंग लेना है। आप वहाँ पर हीलिंग लेते हो तो आप खुद होकर आप ओपन रहते हो, तो आप सब कुछ सबको बता सकते हो कि आपको एग्जैक्ट आपके जीवन में आपको क्या करना है। आप किसी को बता ही नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना है। आपको ऐसे लग रहा है कि जीवन का बहुत सारा टाइम जा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है और आप बहुत कुछ करना चाहते हो। आप में बहुत क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में हो, यानी आप काउंसलिंग की पावर आप में है, तो यस आप में बहुत कुछ तो है। आप एक क्या कहते हैं, राइटर हो सकते हो, आप पोएट्री लिखने वाले हो सकते हो, या कुछ तो भी आप में आर्ट कला कुछ ना कुछ तो भी है। आप वो हुनर आप बाहर निकालना चाहते हो बट आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो नाइन ऑफ वंड्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। आपके यूनिवर्स ना आपको, जो लोग यहाँ पर मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो लोग आपको आगे नहीं जाने दे रहे, तो यूनिवर्स ना उनको दूर रखने वाला है आपसे। आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है, आपको आगे आगे आपको आपको वो पूरी तरह सपोर्ट करने वाला है। और आप यस टेम्परेंस की एनर्जी आई है। आप बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो, आप मल्टी टास्किंग करने वाले पर्सन हो, आप में बहुत सारी विद्या है, आप कुछ भी कर सकते हो आप। क्योंकि काउंसलिंग करने वाला पर्सन जरूरी नहीं है कि मोटिवेशन स्पीकर भी बन सकता है, या जिस फील्ड में जिस कला में उनको अच्छा नॉलेज है, उस कला का भी वो मीन्स उस कला के लिए भी क्लासेस ले सकता है, या एक टीचिंग कर सकता है, कुछ भी उस वे से वो उनको दुनिया को गाइडलाइन दे सकता है प्रॉपर वे से। तो आप में बहुत ज़्यादा ज़्यादा मल्टी टैलेंट है। पेज ऑफ सॉर्ड्स का भी यहाँ पर फिर से कार्ड आया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है यहाँ पर कि यस आपको आगे बढ़ना है, आपको स्टेप लेना है, ना कि रुकना है। आपकी खुद की एक इंडिपेंडेंट लाइफ आपको जीना है, आपको उसके लिए आपको रेडी होना है। आपको खूब बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आपका बढ़ाना है यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यस, आप बहुत सारी खुशियाँ चाहते हो आपके लाइफ में। आप चाहते हो कि आपके फैमिली हो, आपके प्रॉपर्टी हो, आपकी पूरी फैमिली एक साथ रहे, सब कुछ अच्छा रहे, सब एक दूसरे से प्यार करे, सब एक दूसरे से कम्युनिकेशन करे, प्यार से बातें करें, आप यही चाहते हो। तो यूनिवर्स आपको इसलिए सपोर्ट कर रहा है। यूनिवर्स भी चाहता है यस आपकी फैमिली बहुत अच्छे से रहे, ग्राउंडेड रहे, और आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो। आप
किसी से फाइट करना पसंद नहीं करते हो, बट हो जाता है, आपका फाइट हो जाता है आप लोगों के, क्योंकि आप आपको ना कोई समझ ही नहीं पाता है आप एग्जैक्ट क्या हो, आपको ना समझ नहीं पाता आप कहना क्या चाहते हो, और दूसरे लोग कुछ दूसरा ही समझ लेते हैं, और उसके वजह से ना थोड़ा बहुत फाइट होता है, बट ना जीत आपकी होती है, क्योंकि आप में जो टैलेंट है वो शायद किसी में नहीं है, इसलिए भी शायद लोग जेलस फील करते हैं आपसे, और उसके वजह से ही आपको वो बंधा हुआ सा महसूस हो रहा है कि ये लोग कैसे हैं, निगेटिव एनर्जी आपके पास में बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग आप ना उन लोगों से बात नहीं करना चाहते हो जो लोग आपको नहीं समझ पाते हैं। वाह, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। यस, आपको ना गॉड गिफ्ट, आप अर्थ ग्राउंडेड पर्सन हो, और गॉड गिफ्ट आपको ना आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए आपके पास में सचमुच कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ ना कुछ आप में पैशन है, कुछ है करियर में आप फाइनेंशियली ग्रोथ कर सकते हो, और आप बिजनेस में भी ग्रोथ कर सकते हो, मैंने पहले भी बोला था आप करियर में ग्रोथ कर सकते हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे ठीक होने वाली है, सब कुछ आपका ठीक होने वाला है, तो आपको आगे बढ़ते जाना है ना कि रुकना है। ओके, वाह, ये बहुत ही सुंदर कार्ड आया है ट्विन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स का, जो यहाँ पर ट्रू सोलमेट या आपके ट्रू सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, जो भी है आप जो डिसाइड करते हो आपके लाइफ में वो मिलने वाले हैं आपको यहाँ पर, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है, आपको सब कुछ अच्छा रखना है, शायद मे भी ये पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं आपके पास्ट लाइफ के भी पर्सन हो सकते हैं कि आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो ये भी हो सकता है, तो आपके यहाँ पर ट्रू सोलमेट, ट्रू लवर, ट्रू जो भी है आपको मिलने वाले हैं, और उसके लिए भी आपको हर चीज़ को आपको रेडी रखना है, हर चीज़ आपको अच्छे से खुद में इनर वर्क करना है, सेल्फ लव करना है, खुद को डेवलप करना है, और जो आप चाहते हो कि आपको आज सब कुछ ठीक हो, फाइनेंशियल, फैमिली आपकी सब कुछ ठीक हो, तो यस ये ठीक होने वाली है, यूनिवर्स उसके लिए सपोर्ट कर रहा है, बट आपको खुद को भी डेवलप करना है कि ना कि आपको पीछे रहना है। यहाँ पर ये कार्ड लाइन आ रहे हैं, हम अभी लास्ट फेरी के तरफ से देखते हैं कि फेरी आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं, दिस गाइडलाइन फॉर एरिस पीपल, कि आपको क्या नहीं मिल रहा, आपको सब कुछ मिल रहा है, आपका लव लाइफ मिल रहा है, आपको खुद का घर मिलेगा आपको, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी का भी आया है, बिजनेस का भी आया है, कि आप बिजनेस भी अच्छे से कर सकते हो, आपको अच्छा अच्छा मैसेज भी रिसीव होने वाला है, आप यहाँ पर बहुत कुछ आप ना जो आप चाहते हो आपके लाइफ में वो बन सकते हो, बट डेयरिंग आपको करना है, करेज आपको लेके आना है आपके जीवन में। यहाँ पर कार्ड आया है न्यू बिगिनिंग, फेरी का मैसेज है न्यू बिगिनिंग, यस मैंने अभी आपको वही बोला कि आपको यहाँ पर आपको सब कुछ नया करना है, आपको करेज करना है, जब तक आप निकलोगे नहीं वहां से, जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक वहीं पर फंसे रहोगे, वहीं पर रहोगे, तो आपको आगे बढ़ना है, आपको सक्सेस मिलने वाला है डेफिनेटली, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का है, दिस फेरी गॉड मदर हर हेल्ड द जॉयस न्यू फॉर अ न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ द चीज़ आइडिया, प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडियाज एज यू वुड अ बेबी, ठीक है, आप जो भी आइडिया, आपका जो भी हुनर है, आप जो भी बाहर निकालोगे, आप जो भी देखोगे कि ये हो सकता है, तो आपको हो सकता है, आप में है, गॉड गिफ्ट दिया हुआ है, तो आप ना उसको बना सकते हो, तो आपको यहाँ पर फिर ये बता रहे हैं कि आप वो चीज़ को आप बनाना चाहते हो, आप क्रिएटिविटी आगे लेना चाहते हो, तो यहाँ पर वो पूरा सपोर्ट करने वाली है, जैसे कि आप उनके बच्चे हो, आप बेबी हो, आपके वो आइडियाज़ को वो पूरा सपोर्ट करेगी यहाँ पर, और उस आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करेगी, नर्चर करेगी, और आपको एक डेवलपमेंट आप में खुद में होगी, और आप एक आप कहाँ थे और कहाँ चले जाओगे ये आपको खुद को महसूस होगा जब आप इस वे से, इस जर्नी से आप जाने लगोगे, तो यहाँ पर ये गाइडलाइन आ रही है। सॉलिट्यूड आया है बॉटम ऑफ द डेक, थिंक ऑफ बीइंग अलोन
एज अ मीनिंग यू आर ऑल वन एंड इन टोटल हारमोनी एंड एवरीथिंग द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर दोज दैट वेट साइलेंटली ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम्स. मैंने आपको कहा था ये जो फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, आप अकेले हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर यही वो आपको ऐसे लग रहा है कि कोई आपके साथ में नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. तो फिर ही यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आप अकेले ही सब कुछ हो, आप में ही सब कुछ है, और वही आपको देखना है कि आपके अंदर क्या है. आपके अंदर आपको छाक छाक कर देखना है कि आपके अंदर क्या है, उसको आपको बाहर निकालना है. निकालना है यानी निकालना है. फिर यहाँ पर आपको एक साथ आकर आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आपको एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपको सपोर्ट कर रहे हैं. आपको सबको यहाँ पर ग्रेटिट्यूड पे करना है, वो आपको सपोर्ट करते जाएंगे. आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी इशू आता है, तो आप मैनिफेस्ट कीजिए, उनसे सवाल पूछिए, वो आपको उसका आंसर जरूर देंगे, डेफिनेटली देंगे. ओके तो गाइज यहाँ पर मैं ये रीडिंग क्लोज करती हूँ. आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी. जिनसे भी रेजोनेट होती है, प्लीज़ उन्होंने सेल्फ लव करना है. खुद के ही अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है. मैंने पहले कहा था आप मल्टी टैलेंट हो. ओके आप में बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में भी बैठे हो, आप एक काउंसलिंग की एनर्जी में हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ डेवलप कर सकते हो. खुद को आप इनकरेज करो, खुद का करेज बढ़ाओ और हिम्मत लाओ कि यस डेयर करो कि आप वो कर सकते हो. ओके तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस. और नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड नमस्ते.